मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार करता हूँ। यीशु के साथ तो जरूर हम चलते हैं। यीशु आपका साथ चलता रहने से भी वो कहते मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कंगाल हूँ, कैसे संभव है? मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगा? मेरा घर को हम कैसे बनाएंगे? कैसे परिवार बड़ा होगा? बहुत कंगाल है, मेरा परिवार छोटा है। मेरे दादाजी के समय में बहुत अमीर थे, सार संपत्ति को के कंगाल हो गए, ऐसे सोचते हैं ना? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना? यीशु आपसे क्या कहने के लिए चाहता है? भजन 9 अध्याय 18 वचन में, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। हम गरीब हो गए, सब लोग भूल गए हैं, रिश्तेदार भी हमसे दूर हो गया। मनुष्य भूल सकता है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार सर्वशक्तिमान कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तू गरीब है, कंगाल है, लेकिन कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए यीशु इस दुनिया में कंगाल बनकर यहाँ पर आया। अगर यीशु इस प्रकार सोचे होंगे तो राजमहल में राजकुमार के रूप में सोना का मुकुट पहन के गहना सब पहन के आ सकते थे। ऐसे नहीं किया, वो कंगाल बनकर जन्म हुआ, क्योंकि कंगालों की संख्या दुनिया में ज्यादा। मैं उनको स्मरण करना, उनको मदद करना, तब क्या अमीरों को भूल जाएंगे? नहीं, सबके लिए प्रभु है। और साथ ही साथ जो नम्र लोगों की आशा कभी भी नहीं टूटेगा। जीवन में कभी आप नम्र हो गए हैं? सारे आशीष को कोए हैं, हम कंगाल हो गए, आप सोच रहे ना? जो आशा प्रभु पर रखे वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, यीशु मेरे साथ है। आशा रखिए, कभी भी वो आशा व्यर्थ नहीं जाएगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। विश्वास करेंगे? आज परमेश्वर से हम कहेंगे, प्रभु जरूर हम कंगाल है, तूने मुझे कभी नहीं भूला। इस दुनिया के सामने नम्र लोगों के समान तूने त्यागा नहीं, हम आज विश्वास करते हैं। ऐसे कहने से प्रभु आनंदित हो जाएंगे और आपको आशीष देंगे। पिताजी, कंगाल हो के अपने जीवन में संघर्ष को, जो कठिनाई को सामना किए बेटा और ये बेटी को, प्रभु आज उनको हियाव देता धन्यवाद। मन की सारा निराशा को दूर कीजिए, दिल की घबराहट को इनसे दूर करके आशीष दीजिए प्रभु। इनके सारे बोझों को आशीष के रूप में बदलिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आमेन आमेन।